नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हेरलांजी में 24 मार्च को लगा बीआरसी भवन में कोविड-19 टीकाकरण का विशेष शिविर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण केंद्र आने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए की गई वाहनों की व्यवस्था। हेरलांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 24 मार्च को तहसील कार्यालय के पास स्थित बीआरसी भवन में विशाल कोविड टीकाकरण का शिविर आयोजित किया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के महिला पुरुष जो किसी बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें बीमारी से संबंधित डॉक्टर द्वारा इलाज दवा की फाइल सहित बुलाया गया एवं उन्हें कोविड टीका लगाया गया। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिला पुरुषों को आधार कार्ड लेकर बुलाया गया एवं उन्हें भी टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण केंद्र में जो महिला पुरुष आने में शारीरिक रूप से असमर्थ थे, उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्र तक लाने भिजवाने की वाहनों की व्यवस्था भी की गई। हेरलांजी में आयोजित शिविर में लगभग 306 महिला पुरुषों को टीका लगाया गया। टीकाकरण केंद्र में प्रमुख रूप से बीएमओ डॉक्टर खिलंद पाल, तहसीलदार उमराज सिंह वाले, नायब तहसीलदार सतीश चौधरी, डॉक्टर अमित बिजेवार, बीपीएम कमल नगपुरे, युवा समाज सेवी राजकुमार बहेटवार उपस्थित रहे। पंचायती राज न्यूज खैरलांजी से किशन बहेटवार की रिपोर्ट। सर, मैं कमल नगपुरे, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर खैरलांजी, और हमारे यहाँ पे आज कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ है। खैरलांजी और खैरलांजी के अलावा 7 जगह दूसरे स्थानों पर भी टीकाकरण का कार्य प्रारंभ है। खैरलांजी में हमारे पास 300 लोगों का लक्ष्य है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 45 से 59 साल के ऐसे रोगी जो बीमार है, गंभीर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों का टीकाकरण आज किया जा रहा है। और हमारे पास लगभग 300 लोगों का डोज उपलब्ध है और हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग सतत प्रयास रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कार्य संपादित करें। और इसका हमने प्रचार प्रसार, जैसे आप लोगों की मीडिया के माध्यम से भी, कल बैठक लेकर भी, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से भी, और हमारे जो प्रशासनिक अमला है, तहसीलदार साहब, सीओ मैडम, बीएमओ सर और नायब तहसीलदार साहब, इन सबके सहयोग से हम लोग टीकाकरण कार्य को संपादित कर रहे हैं जी। अभी कहाँ कहाँ पे केंद्र अभी संचालित, जैसे कि अभी खैरलांजी में ये जो है तहसील कार्यालय के बाजू में पुराना कॉलेज भवन में जी, एक है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोवाड़ में, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरंभा में, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मीरतपुर में, इसके अलावा भी उप स्वास्थ्य केंद्र भंडारा में, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन कटोरी में, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन पुलपुट्टा में और उप स्वास्थ्य केंद्र भवन सालेवाड़ी में हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ टीकाकरण कार्य संपादित कर रहे हैं जी। सर, जैसे 45 के बाद जो बीमार है उनको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा। यदि वो बीमार है तो उनको हम लोग बोलते हैं कि यदि किसी डॉक्टर ने, वो भी MBBS हो, उनका शैक्षणिक एजुकेशन, तो ऐसे लोगों का प्रमाण पत्र हम लोग लेते हैं और उसको फिर अपलोड करते हैं। ऐसे लोगों का टीकाकरण हम लोग यहाँ पर निःशुल्क कराते हैं।